आपने खड़े एक मिनट दूरी रखिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग अरे आपको हटिए थोड़ा सा आराम से आप लोग रहिए मैं सर हम इस मामले में हमारी आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी लेटर लिखा है और उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर पाए उसमें मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट एजेंसी है वो काम कर रही है और दूसरी एजेंसी काम कर रही है उसमें मेरा क्या कमेंट करना मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है क्योंकि मुझे तो क्वारंटीन जो है वो बीएमसी ने किया था और वो भी मुझे नहीं किया था मैं बोलूंगा इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया था कोई भी एजेंसी हो हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और हमेशा हमें कदम मिलाकर चलना होगा आपको क्या लग रहा है केस के बारे में केंद्रीय एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा क्या यादें लेकर जा रहे हैं आप मुंबई से बहुत अच्छी यादें लेकर आ रहे हैं वो इसमें कोई मेरी यादें मैटर नहीं करती हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे पर इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हुआ है एक हफ्ते नहीं नहीं ऐसा तो कहना उचित नहीं होगा लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन अपना जो करने आए थे मुंबई पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई क्या ये मेरा कहना इसमें कुछ उचित नहीं होगा मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा लेकिन हाँ इन्वेस्टिगेशन जो करने आए थे हम लोग वो मेरे आने के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हुआ चूंकि क्वारंटाइन होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से क्वारंटाइन हो गया व्यक्ति का बात नहीं है ये प्रक्रिया की बात है इसमें किसी व्यक्ति के क्वारंटाइन मेरा या किसी और के क्वारंटाइन होने सवाल नहीं उठता है सवाल ये है कि हाँ प्रक्रिया जो हम लोग करने आए थे वो जरूर बाधित हुई मुझे इसमें कुछ नहीं कहना इसमें मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा इसमें मेरा कुछ कहना उचित नहीं क्या यादें मुंबई पुलिस की लेकर जा रहे मेरी यादें यहाँ की बहुत अच्छी हैं मेरी यादें ये ट्रिप ये मैं यहाँ आया था किसी याद बनाने के लिए नहीं आया था मैं अपना काम करने के लिए आया था जो जितना हो सका हम लोगों ने किया इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या कुछ पाया जो भी इन्वेस्टिगेशन में किया है 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा हम लोगों को दायर करना है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कभी मुंह से नहीं बताया जाता है इन्वेस्टिगेशन की अपनी पवित्रता होती है हम लोगों ने लिख के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया है ये सबको पता चल जाएगा सीबीआई जो भी एजेंसी सीबीआई इसमें जाँच कर रही है तो हम लोगों से जो भी मदद मांगेंगे हम लोग उसमें देंगे नहीं हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी अपना काम जब करते हैं तो आपको सुख दुख को त्यागना होता है कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं है फल से हम लोग काम करने आए थे पुलिस के बारे में क्या कहेंगे एक शब्द में कहना होगा इसमें मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा हम सब लोग सारी पुलिस देश की एक सी है हम लोग मिलकर किसी मंत्री का हाथ है इसमें नहीं बिल्कुल नहीं इसमें किसी का हाथ होना ये सब मैं नहीं कहूँगा सीबीआई के जाने के बाद आपको क्या लगता है अब क्या होगा स्वायत्त संस्था काम कर रही है उसे करने दीजिए स्वायत्त संस्था चलो 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 विनय तिवारी मेरे साथ विनय तिवारी आपको लगता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ हुई है मुंबई पुलिस की नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं आपको इन्वेस्टिगेशन आप मुझे निकलने दीजिए सर बैठिए लाइट पकड़ना प्लीज निकलने दीजिए सर बैठिए ठीक है तो ये हमारे साथ विनय तिवारी थे और वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि हम विनय तिवारी के साथ जाएंगे बिल्कुल और विनय तिवारी साथ चलो 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 आगे बैठ जल्दी बैठ आगे बैठ यार क्या कर रहे हैं माय कॉलीग अमित भारद्वाज देयर रिकॉर्डिंग दैट लाइव साउंड बाइट कमिंग इन फ्रॉम बिहार आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी हु हैज जस्ट बीन रिलीज्ड बाय द बीएमसी ही इज टू बोर्ड अ फ्लाइट बैक टू पटना एट 5 PM विल गो बैक टू अमित इन अ शपल बट निरंजन continues to stay with us because Niranjan, especially important to speak about the turn of events and the kind of treatment that was meted out to the Bihar police, but the Bihar police keeping its dignity, performing their duties, conducting the probe in the best possible manner that they did. And even when we speak about IPS officer Vinay Tiwari, who continued to lead his team while in quarantine, giving them instructions, but now these are the latest details. He's on his way to the airport to board the flight back to Patna.